नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और पूरे विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। और हमारे देश में भी हमारी सरकार और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो ऐसे में हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम लोग अपना योगदान दें। सो हम लोग अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? अपने घरों में रहकर, जब तक कि कोई बहुत ही जरूरी काम ना हो, आप अपने घर से बाहर ना निकलें, भीड़भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं और अपने हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज करें, दिन में 8-10 बार अपने हाथ धोएं और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जो है वो रखा है ताकि वो देख सकें कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 22 मार्च को हम लोग घरों पर रहेंगे उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा और समय लगेगा, लेकिन हाँ, जब तक हम सब लोग मिलकर इसमें अपना योगदान नहीं देंगे तब तक हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकेंगे। सो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ की अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और स्पेशली 22 मार्च को हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपने घरों में रहें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि शाम को 5 बजे आप अपनी बालकनी में खड़े होकर क्लैपिंग करके उन डॉक्टर्स को अपना समर्थन दे सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सो उनको अच्छा लगेगा बिकॉज वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। सो 22 मार्च ही नहीं, उसके बाद भी कोशिश करें कि जितना घर से कम निकलें उतना ही अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। सो मैं प्रे करता हूं कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये जल्द से जल्द खत्म हो और हम सब खुशी खुशी दोबारा अपने काम पे वापस लौटे। और स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मोदी जी की स्पीच सुन रहा था कोरोना वायरस पे, तो वो कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए आप अपने घरों में रहेंगे, मतलब घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन मैं तो निकल रहा हूं, 15 दिन की छुट्टियां आई हैं, बीवी पीछे पड़ी हुई है, कहती आप कहीं बाहर नहीं लेकर जाते हो, अब जब छुट्टियां आएंगे तो क्या बोलूं बीवी को, नहीं नहीं मोदी जी ने मना किया, मैं जा रहा हूं। बाहर को गोली थोड़ी चलती है ना, ये कोरोना स्पेशली मेरा वेट कर रहा है कि कब मैं घर से बाहर निकलूं और वो मेरी तरफ आए, मैं जा रहा हूं। और सबके साथ ही है, मुझे अकेले को थोड़ी होगा है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम चली जाती है, कुछ नहीं होगा। जी हाँ, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं, मेरी उनको हाथ जोड़कर विनती है कि ये समय ये सोचने का नहीं है कि आप सही हैं या मोदी जी सही हैं, ये समय ये सोचने का है कि बात सही है या गलत। सो प्लीज, बिना किसी जरूरत के गर्मी की छुट्टियां समझकर घर से बाहर ना निकलें, अपने आप को, अपने परिवार को और पूरी मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए अपना सहयोग दें। और अगर फिर भी आपको बात समझ नहीं आ रही तो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। 1000 पटाखों की लड़ी देखी कभी आपने, जो हम दिवाली पे चलाते हैं, उनमें से सिर्फ एक पटाखे को हम आग लगाते हैं, पूरी लड़ी एक मिनट से पहले खत्म हो जाती है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। प्लीज अपना सहयोग दें, घरों से बाहर ना निकलें। धन्यवाद। Hi, namaskar everyone. Usually my videos are full of fun and laughter and lot of masti, humor and kabhi shoot par ja rahi hun, etc. Never thought I'd have to make a video like this where I'm telling everybody and appealing to everyone, please stay at home. We are not shooting anymore. Ye jo bhi aap shoot ke agar post dekh rahi hain, photographs dekh rahi hain, to wo sab shoot khatm ho chuki hain. Whatever I'm posting is a throwback. It's not of the current situation. Current situation is that we are all staying self-quarantined. So please stay at home. Stay with your families. Don't wait for government instructions. Use your common sense. Use your love for your family. And think what is best for them. Let's do what's best for them, right? Not just for us. So don't go out anywhere. And kal Sunday hai. Kal hum log 5 baje sham ko. Agar aapke ghar mein balcony nahi hai, so what? खिड़की है, दरवाजा है, उसके बाहर कीप डिस्टेंस फ्रॉम एवरीबडी एल्स हु इज नॉट योर इमीडिएट फैमिली, बट प्लीज लेट्स गो आउट देयर एंड शो द मेडिकल स्टाफ एंड ऑल दीज हेल्थ वर्कर्स हु आर डूइंग सो मच टू कीप अस सेफ एंड हेल्दी।
लेट्स गो आउट एंड आप ताली बजाइए, सिटी बजाइए, आप गुनगुनाइए, आप राष्ट्रगान गा सकते हैं. वट एवर इट इज दैट वी कैन शो आर ग्रेटिट्यूड टू एवरीबडी हु इज बींग सो कंसिडरेट इन दिस टाइम, वेरी ट्राइंग टाइम.